हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दहिया। और अब हम कर रहे हैं प्ले द मंकीज पॉ, रिटन बाय W.W. Jacobs। तो चलो ये जानते हैं सबसे पहले हम W.W. Jacobs के बारे में, जिनका पूरा नाम था विलियम वाइमर्क W.W. Jacob, जिनका जन्म हुआ 8 सितंबर 1863 और 1 सितंबर 1943 को इनकी डेथ हो गई थी। वो एक इंग्लिश ऑथर थे, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल्स वो लिखते थे। Although much of his work was humorous, he is most famous for his horror story, The Monkey's Paw. हालांकि उनका बहुत सारा जो वर्क है वो बहुत हंसी मजाक से भरा हुआ था, लेकिन जो उनकी सबसे फेमस हॉरर स्टोरी है वो है द मंकीज पॉ। तो मेनली जो है W.W. Jacobs जो हैं वो द मंकीज पॉ के लिए ही जाने जाते हैं। Jacobs was born in Wapping, London. His father was a wharf manager at the South Devon Wharf at Lower East Smithfield. He was educated at a private school in London and later at Birkbeck College, then called Birkbeck Literary and Scientific Institution, now part of the University of London. तो Wapping में इनका जन्म हुआ था, इनके फादर वॉर्फ मैनेजर थे और ये जो है साउथ डेवन वॉर्फ जो है नामक जगह पर Birkbeck College में पढ़े थे। तो चलिए अब जानते हैं मंकीज पॉ के बारे में। तो मंकीज पॉ जो है वो एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन है जैकब के फेमस मकाबरे, मतलब के अनप्लेजेंट और स्ट्रेंज टाइप के ड्रामा का, क्योंकि ये जो है डेथ और फ्राइटनिंग डराने वाली एक कहानी है, इसलिए इसको जो है फेमस मकाबरे जैकब्स का माना जाता है। द प्रेजेंट प्ले इज़ अबाउट मैजिकल पावर्स ऑफ अ मंकीज पो, देयरफॉर इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, मिस्ट्री एंड हॉरर इन इट। तो ये जो प्ले है इसमें मैजिकल पावर्स दिखाई गई हैं एक बंदर के पंजे की, इसलिए इसमें जो है सुपर नेचुरलिज्म, मतलब कि जो है थोड़ा सा भूत प्रेत टाइप चीज़ दिखाई गई है, मिस्ट्री है इसमें, रहस्य है इसमें, डर भी है। द इवोकेटिव एटमोसफियर एंड द विविड डायलॉग्स मेक द प्ले अ पेरिनियल फेवरेट। तो इसमें जो एटमोसफियर दिखाया गया है, जो डायलॉग्स हैं, उससे ये बहुत ही अच्छा बन पड़ा है, सदाबहार बन पड़ा है। द प्लॉट ऑफ द प्रेजेंट प्ले इज स्पन अराउंड द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर्बर्ट White's transformation from a gentle, happy and devoted young man into a threatening monster. तो इस present play जो है ये हमारा मंकीज पो, इसका जो plot है, कथानक है, इसको जो है Herbert White की जो transformation है एक gentle, happy, devoted young man से एक threatening monster में कैसे वो change हो जाता है वो दिखाया गया है। Herbert जो होता है वो Mr. और Mrs. White का बेटा होता है, इसमें Mr. और Mrs. White जो है वो main character हैं और हर्बर्ट उनका बेटा है। ये तीन कैरेक्टर बेसिकली इसमें मेन है। एक सार्जेंट मेजर मोरिस होता है जो कि मिस्टर वाइट का दोस्त होता है और वो जो है मिलिट्री में काम करता था और उसने अपनी इस नौकरी के दौरान बहुत सारे देशों में जो है काम किया है, जिसमें से भारत भी एक देश है। तो ये पूरी की पूरी कहानी इस तरीके से है कि हर्बर्ट जो मिस्टर और मिसेस वाइट का बेटा है, बहुत ही अच्छा बच्चा होता है वो लड़का और यंग एज में होता है, वो नौकरी भी करता है और वो कैसे जो है एक अच्छे बच्चे से एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। मॉन्स्टर होता है राक्षस। अ थॉटफुल एंड लविंग सन, हर्बर्ट प्लेज चेस विद हिज फादर एंड जेंटली टीजेस हिज मदर। एक बहुत ही प्यारा वो बेटा है और हर्बर्ट जो है चेस खेलता होता है अपने फादर के साथ जब प्ले की ओपनिंग होती है, और बड़े प्यार से वो अपनी मदर को थोड़ा थोड़ा चिढ़ा रहा होता है बीच बीच में। He is the only member of the family who works. तो वो एकमात्र ऐसा इंसान है घर में जो काम करता है और अर्न करता है। तो हम सोच सकते हैं कि उसके मम्मी पापा जो बूढ़े हैं उनके लिए वो एकमात्र कितना बड़ा सहारा है। Herbert believes that Sergeant Major Morris stories are nothing but a pack of tall tales and treats the monkeys paw with irrelevant or rude humor. तो हर्बर्ट को हमेशा लगता है जब भी सार्जेंट मेजर मॉरिस उनके घर पे आता है और उसकी आदत है कि वो हमेशा अपनी कहानियाँ सुनाता है जहाँ जहाँ उसने नौकरी की होती है वहाँ की, तो उसको लगता है कि ये बस बड़ी बड़ी कहानियाँ ही सुनाते रहते हैं और जो मंकीज पो वाली कहानी है उसको तो बस मजाक के तौर पर ही लेते हैं कि ये कुछ भी रेवरेंट नहीं है और ये सारी की सारी बकवास कहानी है। हर्बर्ट नौकरी पर जाने से पहले अपने फादर से मजाक में कहता है कि अगर आपको विश मांगनी है तो आप एक साम्राज्य मांग लीजिए और कुछ नहीं तो आप जो है 200 पाउंड मांग लीजिए, जिससे कि हमारा जो कर्ज़ा है इस घर को लेने में जो हमने लिया था वो हमारा उतर जाएगा। हालांकि मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट और हर्बर्ट तीनों ही इस जादुई बंदर के पंजे पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मिस्टर वाइट के मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना हम अपना कर्ज़ा इसकी वजह से उतार दें अगर ये विश पूरी करता है तो। लेकिन सार्जेंट मेजर मॉरिस जब उनको बताता है कि ये मैजिकल जो मंकीज पो है, इससे जो भी विश मांगता है उसको अल्टीमेटली जो विश है फिर डेथ की ही मांगनी पड़ती है, तो
तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप विश ना मांगे सार्जेंट मेजर मॉरिसन को बताने के बाद ये भी कहता है। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा भी क्या हो, अब ऐसा भी होता है क्या कभी। मिसेस वाइट बोलते हैं कि आपकी कहानी सुनकर हमें लगता है कि हम अरेबियन नाइट्स की कहानी जैसे सुन रहे हों। और सबसे शुरुआत में जब सीन दिखाया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है कि इनका घर जो है फुलहम जो गांव है उसमें सबसे बाहर है, बस्ती से बिल्कुल बाहर है, आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज में इनका घर है, पुराने स्टाइल का बना हुआ है और उसको ख़रीदने में इनको 200 पाउंड का कर्ज़ा लेना पड़ा था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कहानी में बिल्कुल इस तरीके से दिखाया गया है कि बड़ा मुश्किल से कोई इनके घर पर मिलने इनसे आता है क्योंकि इतनी दूर घर है और ऊपर से कब्रिस्तान के नज़दीक भी है। हर्बर्ट डज नॉट बिलीव फॉर अ मोमेंट दैट द पॉ इज़ मैजिकल, बट ही अनविटिंगली प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ द विश व्हेन ही टेल्स हिज पेरेंट्स, आई डोंट सी द मनी एंड आई बेट आई नेवर शेल। ये पेज नंबर 57 पर है टेक्स्ट की। तो हर्बर्ट एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं करता कि ये बंदर का पंजा जादुई है, लेकिन वो फिर भी अपनी इच्छा ना होते हुए भी प्रिडिक्ट करता है कि अगर हमारी विश पूरी हो जाती है तो मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं भी हमें पैसे मिले हैं, और मैं शर्त लगाता हूँ ना ही हमें कभी पैसे मिलेंगे, और हमें पैसे जो है वो अपना उधार चुकाने के लिए ही चाहिए है वैसे तो। द सस्पिशियस क्वालिटी ऑफ हर्बर्ट्स नेचर मेक्स हिज इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो हर्बर्ट की जो क्वालिटी है यहाँ पर नेचर की वो क्या है, संदेह करने की है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे उसका जो है रूपांतरण होता है एक बहुत ही अच्छे लायक बेटे से एक दैत्य के रूप में। इस पूरी कहानी में बंदर के जादुई बंदर के पंजे पर जो है तीनों ही विश्वास नहीं करते हैं, मिसेज मिस्टर वाइट और इनका बेटा हर्बर्ट। लेकिन फिर भी जो है मिस्टर वाइट को थोड़ा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना हम अपने घर का कर्जा उतार दें, जबकि हर्बर्ट पहले ही बोलता है ये बंदर के पंजे की कहानी शुरू होने से पहले ही कि 3 साल में मैं ये सारा कर्जा उतार दूंगा, आप चिंता ना कीजिए। और वो मजाक मजाक में फिर ये भी बोलते हैं कि तुम तभी उतार पाओगे अगर तुम शादी नहीं करते हो, क्योंकि अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा और तुम कर्ज़ा नहीं उतार पाओगे। तो शुरू में जो सीन है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कहानी का कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और अगर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो उसको हवा के प्रेशर की वजह से खोलना मुश्किल है, और अगर खुल जाता है तो उसको हवा की प्रेशर की वजह से बंद करना भी मुश्किल है। घर के पूरे सीन दिखाया जाता है स्टेज के ऊपर, कहाँ पर पियानो है, कहाँ पर उनके बर्तन धोने की जगह है, और इस तरीके से पूरा स्टेज पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है सीन, और थोड़ा सा हॉरर का भी एटमॉस्फेयर वहाँ पर दिखाया जाता है। तो मिस्टर वाइट जो हैं वो अपनी विश मांग लेते हैं कि मुझे 200 पाउंड चाहिए, जबकि सार्जेंट मेजर मॉरिस जाते जाते कहता है कि मैं तुम्हें अब भी कहता हूँ कि तुम कोई भी विश मत मांगना, क्योंकि अल्टीमेटली जो जो भी इससे विश मांगता है उसको तीसरी विश जो है डेथ के रूप में मांगनी पड़ती है। और तो मिसेस वाइट कहते हैं कि आपने कभी मांगी, तो वो कहता है कि हाँ मैंने मांगी है। और ये दिखाया गया है कि उसने जो विश मांगी थी वो थी कि उसने मेडल के लिए विश किया था, तो उस मेडल को हासिल करने के एवज में उसको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। तो वो ये चीज़ तो यहाँ पर रिवील तो नहीं हुई है, लेकिन इसके पीछे यही लॉजिक बताया गया है। और वो यही कहता है कि मैं अब इससे और कोई विश नहीं मांगना चाहता, क्योंकि मैंने देखा है जिसने मेरे सामने इससे विश मांगी है तो तीसरी विश उसने तंग आकर डेथ की ही मांगी थी। और वो एक बार तो बंदर के पंजे को फायरप्लेस में आग में भी डाल देता है, लेकिन मिस्टर वाइट उसको भाग के निकाल लेते हैं। मिस्टर वाइट कहते हैं कि आप इसको मत फेंकिए, मैं ये हमारे काम का है, लेकिन सार्जेंट मेजर मॉरिस बार बार में वार्निंग करते हैं, देते हैं कि भाई आप इससे कोई भी विश मत मांगना, आप इसको फेंक दो, कुछ भी करो, लेकिन आप इसको अपने पास मत रखो। तो लेकिन मिस्टर वाइट नहीं मानते हैं, मिसेस वाइट भी उनको मना करती है, हर्बर्ट भी मना करता है, लेकिन वो फिर भी विश मांग ही लेते हैं। तो वो विश ये मांगते हैं कि हमें 200 पाउंड मिल जाएँ। तो मिस्टर वाइट फियर्स दैट हिज सन हैज़ बिकम अ हॉरिबली करप्टेड इविल बीइंग आफ्टर विशिंग हिम बैक टू लाइफ। यहाँ पर क्या होता है कि वो विश मांगते हैं तो उनको जो है, जब वो विश मांगते हैं तो हर्बर्ट उस टाइम अपनी नौकरी पर चला जाता है, और क्योंकि उसकी उस समय नाइट ड्यूटी होती है, और सबसे पहले घर से सार्जेंट मेजर मॉरिस निकल जाते हैं, फिर हर्बर्ट अपनी नौकरी पर जाता है, और अगले दिन उसको आना होता है सुबह। तो वो बोल के जाता है कि ब्रेकफास्ट के लिए आप मेरी वेट ना कीजिएगा, मैं वैसे तो टाइम पर ही आ जाऊँगा, आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। लेकिन सुबह जब दिखाते हैं सुबह का सीन, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि हर्बर्ट नहीं आता है, वो बहुत देर से वेट कर रहे होते हैं, और उनको लगता है कि आज तक तो हर्बर्ट कभी भी लेट नहीं हुआ। तो मिस्टर और मिसेस वाइट आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने में मिसेस वाइट कहते हैं कि कोई काले कपड़ों में जो है हमारे गेट पर आया हुआ है, और लगता है कि वो हमारे घर में ही आना चाहता है, और उससे पहले कोई एक लेटर भी आता है। तो उस लेटर को देख के जो है मिसेस वाइट कहती हैं कि देखते हैं इस लेटर में क्या है। तो उसको जब वो लोग उठा के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कुछ भारी सा है,
तो जब उसको खोल के वो देखते हैं तो वो पहले तो वो सोचते हैं कि कहीं इसमें 200 पाउंड तो नहीं आ गए हैं, लेकिन वो उनको जो है नोटिस आया हुआ होता है कि आपने जो 200 पाउंड लिए हुए हैं उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसका ब्याज है, वो आप जो है वो जमा कर दीजिए। और इतने में जो है वो ब्लैक कपड़ों वाला इंसान आता है, वो उनको ये बताने आता है कि मैं हर्बर्ट की कंपनी से आया हूँ, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, और वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये लोग कहते हैं अच्छा एक्सीडेंट हो गया है, तो कहीं उसको ज़्यादा तो नहीं लग गई है, और उसको कोई दर्द ज़्यादा तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं, उसको कोई भी दर्द नहीं है और उसको दर्द होगा भी नहीं, क्योंकि वो अब ज़िंदा ही नहीं है। और वो उनको एक चेक देता है कि ये कंपनी की तरफ से है और वो 200 पाउंड का ही होता है। और वो ऊपर से ये भी बताता है कि हमारी कंपनी वैसे कभी किसी को भी कॉम्पनसेशन नहीं देती है, लेकिन हर्बर्ट का काम इतना अच्छा था कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम उसको कॉम्पनसेशन देंगे, तो ये 200 पाउंड हैं। तो ये देखकर दोनों मिस्टर और मिसेस वाइट जो हैं वो स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो जो इंसान उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है, वो भी बड़ी मुश्किल से जो है ये शब्द उन लोगों को कह पाता है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। मिस्टर मिसेस वाइट उसको बहुत कंफर्ट फील कराते हैं, उसको बार बार बोलते हैं कि आप पूरी बात बता दीजिए। तब वो बताता है कि काम करते हुए डायनामो के बीच में जो है हर्बर्ट आ गया, वो थोड़ा सा केयरलेस हो गया था और वो बिल्कुल क्रश हो चुका है, और उसके एवज में हम आपको ये 200 पाउंड दे रहे हैं। तो मिस्टर मिसेस वाइट जो है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में होते हैं बेचारे, वो बेहोश सी की हालत में हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर उनको लगता है कि हमने ये भी क्या विश मांगी। तो फिर मिस्टर वाइट फियर करते हैं कि उनका बेटा अब हॉरिबली करप्टेड हो जाएगा। फैक्ट ये है कि जैकब्स नेवर एक्चुअली डिस्क्राइब्स हु और वट नॉक्स रिपीटेडली और द वाइट्स डोर, हाउएवर सजेस्ट्स दैट द कॉलर मे नॉट रियली बी हर्बर्ट्स रिवाइज्ड कॉर्प्स। फिर क्या होता है कि ये जो प्ले है हमारा, ये 3 एक्ट्स में है। एक सीन जो शुरुआत का सीन है वो रात का सीन होता है, फिर सेकंड एक्ट में सुबह दिखाई जाती है, और फिर तीसरे एक्ट में फिर से रात दिखाई जाती है। सुबह के सीन के बाद जब उनको पता चलता है कि उनका बेटा मर चुका है, तो फिर से थर्ड एक्ट में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसेस वाइट मिस्टर वाइट को बोलती है कि हमारा जो ये बंदर का पंजा है उससे हमने अभी एक ही विश मांगी है, तो क्यों ना हम दूसरी विश भी मांग लें, और दूसरी विश ये मांग लें कि जो हमारा बेटा है वो ज़िंदा हो जाए। तो मिस्टर वाइट कहते हैं तुम पागल हो क्या, उसको मरे तो लगभग 13 दिन हो गए हैं, अब वो कैसे ज़िंदा हो पाएगा, और तुम्हें पता नहीं है कि इससे जो है हमने पहली विश मांग के ही कितनी बड़ी गलती की है। प्ले में दिखाया जाता है कि मिस्टर वाइट मिसेस वाइट को मदर कह के बुलाते हैं और मिसेस वाइट मिस्टर वाइट को फादर कह के बुलाती हैं हर्बर्ट के रिलेशन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जब मिस्टर वाइट मिसेस वाइट को मदर बोलते हैं, तो वो बोलते हैं मैं कोई अब मदर नहीं रही हूँ, मेरा बेटा तो है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दूसरी विश जो है यही मांगे कि हमारा बेटा लौट आए। तो मिस्टर वाइट तैयार नहीं होते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन मिसेस वाइट बहुत फोर्स करती हैं, तो वो मांग लेता है कि हमारा बेटा फिर से ज़िंदा हो जाए। तो बहुत ही डरावनी रात दिखाई जाती है, कोई बहुत लगातार ये विश मांगने के बाद उनका दरवाज़ा पीट रहा होता है। और प्ले की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उनकी जो एक कुंडी होती है वो बहुत मुश्किल से बंद होती है, तो वो खुलती नहीं है। तो बार बार पीटने के बाद मिस्टर वाइट तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कौन आ गया है हमारे दरवाजे पर, कहीं हर्बर्ट ही तो नहीं ज़िंदा होके आ गया है। मिस्टर वाइट बोलते हैं कि तुमने तो मिस उसको देखा भी नहीं हर्बर्ट की लाश को, अगर उसके कपड़ों की वजह से मैं उसको नहीं पहचान पाता तो मुश्किल था ये जानना कि ये हर्बर्ट ही है। अगर वो अब उसी हालत में क्रश्ड हालत में बिल्कुल पिसी हुई हालत में ज़िंदा होके आएगा तो वो क्या बन के आएगा, तुम थोड़ा सोचो। तो जब दरवाज़ा बार बार में कोई इतनी ज़ोर से पीटता है कि अगर अभी नहीं खोला तो दरवाज़ा तोड़ के ही वो अंदर आ जाएगा, तो मिस्टर वाइट बहुत डर जाते हैं। लेकिन मिसेस वाइट जो है वो नहीं डरती और वो बार बार में बोलती है कि मैं आ रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें अंदर ज़रूर लूँगी अपने घर के। तो मिस्टर वाइट इतना डर जाते हैं कि वो जो है बंदर का पंजा ढूंढने लग जाते हैं अंधेरे में। पूरे इसमें दिखाया जाता है कि इनके घर में लाइट भी नहीं होती है, ये कैंडल्स जला के ही काम कर रहे होते हैं। ये इसलिए हो सकता है कि इनका जो घर है वो गांव में सबसे बाहर है, गांव के बाहर होता है इनका घर, और जो है कब्रिस्तान के पास होता है। तो ये बहुत डरावना सीन हो जाता है इनके घर का रात के समय पर बहुत। तो यहाँ पर मिस्टर वाइट जो है डर के मारे पंजा ढूंढ रहे होते हैं अंधेरे में, तो उनको बंदर का पंजा मिल जाता है और वो तीसरी विश यही मांगते हैं कि भाई मेरा बेटा जो है वो वापस ना आए और उसकी सोल जो है वो बहुत ही शांति में रहे। तो जैसे ही वो ये विश मांगते हैं, एकदम से जो नॉकिंग एट द डोर है वो रुक जाती है और जो वो कुंडी बंद नहीं हो रही थी और खुलती नहीं है, तो उस कुंडी की वजह से यहाँ पर ये बच जाते हैं कि मिसेस वाइट उस कुंडी को खोल नहीं पाती। तो यहाँ पर ये सस्पेंस दिखाया गया है, क्योंकि क्लियर नहीं है कि कौन नॉक कर रहा था दरवाजे पर, वो हवा की वजह से था या हर्बर्ट की वजह से था, लेकिन वो सीन बहुत डरावना हो जाता है यहाँ पर।
तो मिस्टर एंड मिसेस वाइट ऑल्सो अंडर गो एन अपसेटिंग चेंज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ हैप्पी कपल इंटू पेरेंट्स टॉर्मेंटेड और पेन्ड बाई ग्रीफ। तो मिस्टर और मिसेज वाइट को भी यहाँ ट्रांसफॉर्म करते हुए रूपांतरण दिखाया है उनका कि कितने अच्छे हैप्पी कपल थे वो, लेकिन बाद में वो बहुत पछताते हुए पेरेंट्स और बहुत दुख वाले पेरेंट्स बन के रह गए। ड्यूरिंग द सार्जेंट मेजर्स विजिट मिसेज वाइट इज एज ईगर एज हर्बर्ट एंड मिस्टर वाइट आर टू हियर द टेल्स ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स अब्रॉड। जब भी सार्जेंट मेजर मॉरिसन के घर आते थे तो मिस्टर वाइट, मिसेज वाइट और हर्बर्ट ये तीनों ही बहुत उत्सुक रहते थे कि देखते हैं आज ये कौन सी कहानी सुनाएंगे। She is more willing to consider the truth of the monkey paw story than Herbert is, but she is far less credulous than her husband. Indeed, she often shows herself to be more quick-witted than Mr. White. तो यहाँ पर मिसेज वाइट को दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा मंकी पॉ के बारे में जानना चाहती थी, हर्बर्ट भी इतना विलिंग नहीं था, और ये भी दिखाया गया है कि वो जो है दिखाना चाहती थी हमेशा कि मैं मिस्टर वाइट से ज़्यादा समझदार हूँ। फॉर एग्जाम्पल शी अंडर रेट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉ, दैट इज़ वाई शी इज़ द वन टू सजेस्ट विशिंग ऑन द मंकीज पॉ अ सेकेंड टाइम टू ब्रिंग हर्बर्ट बैक टू लाइफ। जैसे कि दूसरी बार जब विश मांगनी होती है तो वो ये ही कहती है कि हर्बर्ट की लाइफ को ही हम वापस मांग लेते हैं। तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार दिखाती हैं बार बार में। द डेथ ऑफ हर सन एंड द बिलीव दैट इट माइट हैव बीन प्रिवेंटेड नियरली ड्राइव मिसेज वाइट इनसेन। तो उनके बेटे की जो डेथ होती है और जो उनका विश्वास होता है कि जो है उसको दोबारा से लाया जा सकता है, तो यहाँ पर मिसेज वाइट ऑलमोस्ट पागलपन की शिकार हो जाती हैं। Her transformation is far less dramatic than her son's, but she still changes from an intelligent, self-possessed woman into a raving, shrieking, weeping mourner. This pathetic condition of the bemoaning couple becomes self-reflexive in the last speech of the play, as Mrs. White herself utters, flinging the door open simultaneously. There is a flood of moonlight, but only emptiness. The old man sways in prayer on his knees. The old woman lies half swooning, wailing against the door. तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रूपांतरण हो जाता है मिसेज वाइट का। जैसे ही उसके बेटे की डेथ होती है तो वो इंटेलिजेंट वूमेन से, सेल्फ पोजेस्ड वूमेन से एक रोती हुई माँ और कांपती हुई माँ में, वो विलाप करने वाली महिला में बदल जाती है। उसकी जो दयनीय स्थिति है वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में दिखाई जाती है कि जो कपल है वो हर टाइम बेचारा विलाप में है। और ये जो है लास्ट डायलॉग होता है मिसेस वाइट का, वो कहती है कि देखो ये दरवाज़ा मैंने खोला, मुझे लगा कि हर्बर्ट आएगा, लेकिन ये दरवाज़ा खुलने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है, मूनलाइट की बाढ़ आ गई है और सिर्फ खालीपन है। और जो वो बूढ़ा व्यक्ति है मिस्टर वाइट, वो अपने घुटनों के बल आकर प्रेयर करने लग जाता है, और जो ओल्ड वुमेन है वो लगभग बेहोशी की हालत में है, और वो दरवाजे के जो है साइड में लग के और जो वो वहाँ पर विलाप कर रही है। Mr. White's grief is twofold as he laments his son's death as well as his decision to wish on the monkey's paw in the first place. Unlike his wife, Mr. White realizes he should have never invited trouble by wishing for the 200 pounds or to bring Herbert back to life. Mr. White को यहाँ पर दोहरा जो है दुख है, उसको पश्चाताप है, एक तो उनकी उसके बेटे की डेथ का, और दूसरा कि उसने ये बहुत रॉन्ग डिसीजन लिया कि उसको विश मांगनी चाहिए बंदर के पंजे से, जबकि उसका दोस्त बार बार में मना करके गया था। हालांकि मिसेज वाइट ने भी मना किया था कि ऐसी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, तो वो बार बार में बोलती है कि तुम्हें ट्रबल को इनवाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता है। और दूसरा गलत डिसीजन वो यही होता है कि वो हर्बर्ट को फिर से ज़िंदा करना चाहता है।
द फैक्ट दैट ही बिलीव्स एन अनहोली क्रिएचर स्टैंड्स नोकिंग एट हिज डोर इंस्टेड ऑफ हिज सन सजेस्ट दैट ही फील्स गिल्टी फॉर हैविंग लेट सेल्फिशनेस ओवरटेक हिम व्हेन ही मेड हिज विशेज. तो वास्तव में उसको लगता है, उसको विश्वास है कि कोई एक अनहोली अपवित्र आत्मा जो है वो दरवाजे पर खटखटा रही थी बजाय कि उसके बेटे के, और उसको बहुत गिल्टी होती है यहाँ पर और वो बहुत गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है. उसको लगता है कि इतनी सेल्फिशनेस भी ठीक नहीं थी जो मैंने दिखाई, और मैंने जो है जो विशेज़ मांगी वो मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस से भरी हुई थी. इंस्टेड ऑफ पासिंग ऑफ द नॉकिंग एज एन अनरिलेटेड कोइंसिडेंस ही इमीजिएटली जंप्स टू द कंक्लूजन दैट इविल स्टैंड्स ऑन द अदर साइड एज इफ बिलीविंग द पो हैज़ पनिश्ड हिम फॉर बीइंग ग्रीडी. बजाय कि वो ये देखता कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि कोई और भी हो सकता है नॉक करने के लिए, लेकिन वो एकदम से इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि कोई बुरा ही इंसान था या कोई बुरी आत्मा थी जो बार बार में नॉक कर रही थी डोर पर और वो जो है उनको पनिश करने के लिए आई थी. हिज डिसीजन टू विश द अनवांटेड विजिटर अवे विद हिज थर्ड विश मे रिफ्लेक्ट हिज डिज़ायर टू नॉट ओनली सेव हिज एंड मिसेज वाइट्स लाइव्स बट ऑल्सो रिडीम हिमसेल्फ फॉर हिज सिंस. तो उसका डिसीजन था कि वो उसने ये मांग लिया कि मेरे बेटे की आत्मा शांत हो जाए, वो ज़िंदा ना हो. तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि वो ये चाहता था कि हम भी आराम से रहें और जो उनके पाप की सज़ा है वो भी उनको मिल जाए. तो ये था द मंकीज़ पो, रिटन बाय W.W. जैकब्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.